हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे आसानी से मिल जाते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक थैंक्स गिविंग वीडियो है, यानी इसमें मैं आप सभी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पॉसिबल किया है कि हम फाइनली जो है 50,000 यानी 50,000 सब्सक्राइब तक हम पहुंच गए हैं। सो वी आर फैमिली ऑफ 50,000 नाउ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि मुझे इसमें कितना टाइम लगा है, तो बहुत ही ये टाइम टेकिंग है, और क्या जर्नी रही है हमारी यूट्यूब की, किस तरह की जर्नी रही है, और यूट्यूब की पेमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं जो भी यूट्यूबर्स हैं, डॉक्टर्स के अलावा जितने भी यूट्यूबर्स हैं और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, कैसे आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ये आप सक्सेसफुली धीरे धीरे विद द टाइम आप कैसे बिना पेड प्रमोशंस के, यानी अगर आप चाहते हैं बिना पैसे दिए हुए, बिना पेड प्रमोशंस के अगर आप जर्नी और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन, यानी आप जैसे जैसे आपकी अर्निंग का, मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे अर्निंग से है कि यूट्यूब से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अच्छा अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना बताना चाहूँगी कि 50,000 यानी 50,000 सब्सक्राइबर तक हमें कितना टाइम लगा है। तो बिना पेड प्रमोशंस के, कोई पेड प्रमोशंस नहीं किया मैंने, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया है, लगभग 1 साल, बहुत ज़्यादा पीरियड है ये, पर हाँ मुझे इतना टाइम लग गया है, शायद बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि आप धीरे धीरे फिर आप स्टार्ट करते हैं और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसा पेशेंस बना के रखें कि हाँ बिल्कुल, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ अगर आप डाल रहे हैं और अगर आप अपने व्यूअर्स को समझ रहे हैं, उनके कमेंट के आंसर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है जल्दी पहुंच सकते हैं आप यहाँ तक। बट हाँ, मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। और एक और बात बताना चाहूँगी कि यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट भी हमें रिसीव हो गया, सो उसके लिए भी यूट्यूब को भी थैंक्स और आप सभी को उसके लिए थैंक्स। और यहाँ पे है कि कैसे आप अपना चैनल बनाएं। देखिए, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कोई कला में एक्सपर्ट होता है, कोई खेल में एक्सपर्ट होता है, किसी कोई डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ मैंने देखे हैं टैक्स ऑफिसर्स भी हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं। तो अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह के, मैं ये कहना चाहूँगी कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बट आप उनसे अफेक्ट मत होइए, बिकॉज आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही लेनी हैं। तो आप अगर देखेंगे तो किचन से रिलेटेड कुछ भी है वो भी आप देख सकते हैं, यानी किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके अंदर टैलेंट आपको नज़र आता है तो उसके लिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये। हाँ, कुछ बातें हैं, गलतियां जो आप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। YouTube की कुछ पॉलिसीज़ हैं, अगर आप अपना चैनल बना रहे हैं तो उनको भी आप फॉलो करिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप अपनी जो है वीडियो शेयर ना करें, सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने वीडियो शेयर करने लग जाते हैं, नए नए यूट्यूबर्स होते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने आप को लोगों को दिखाएं, बल्कि यूट्यूब चाहता है कि लोग आपको सर्च करें। तो ये गलतियाँ आप ना करें कि अपना, अपने दोस्तों के ग्रुप में आप जो है शेयर कर रहे हैं, इससे आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता, यानी यूट्यूब आपको अर्निंग भी नहीं देता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, तो आप इसे ना करें। बहुत कम कर सकते हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज YouTube ने डिसाइड करे हुए हैं कि कुछ परसेंट तक आप कर सकते हैं, बट कोशिश करें आप मेहनत ज़्यादा करें और शेयरिंग कम ही करें। मैंने यही प्रैक्टिकली करा है और आप इसी को जो है फॉलो करें तो ज़्यादा सक्सेस रहेगा आपका YouTube जर्नी। और यहाँ पे है जी, मैंने बताया कि गलतियाँ, यानी एक तो शेयरिंग की गलती, जो हम नए नए एक्साइटमेंट के चक्कर में अपने वीडियो शेयर करते हैं वो ना करें, उसके बजाय अपने फोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं और वैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है क्या क्या और अवॉइड करना है, एक कॉपीराइट का यूट्यूब में बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि कॉपीराइट का मतलब, कॉपीराइट कुछ भी हो सकता है, किसी का भी गाना आपने लिया है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है यूट्यूब का ही सिलेक्ट करें, या फिर आपने कोई इमेज यानी कोई फ़ोटो लगाई है किसी भी दूसरे, सपोज किसी भी चैनल की आपने कोई फ़ोटो कॉपी कर लिया तो वो भी कॉपीराइट में आ जाता है, उससे भी आपका चैनल मोनेटाइज, यानी उससे भी आपको यूट्यूब अर्निंग नहीं देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रखें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी में एक टैलेंट है, तो अपना अपना टैलेंट दिखाएं, चाहे वो खेल से है, चाहे वो कला से है, डॉक्टर, इंजीनियर, टैक्स ऑफिसर, मैंने बहुत से देखे हैं, कुकिंग, किचन मैंने देखे हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालती हैं। तो आप ऐसा ही करें, अपना टैलेंट सबसे पहले आप उसको इवैल्यूएट करें, देखें और उसको जो है वीडियोज़ के थ्रू सब लोगों के साथ शेयर करें, एक अच्छा जो है चैनल क्रिएट करके एक्टिव रहें। और टाइम लगता है, पेशेंस रखें सबसे ज़्यादा। बहुत से हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, पूछते हैं कि YouTube की अर्निंग आ गई क्या,
मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं यूट्यूब की अर्निंग के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँ। ऐसा नहीं है बस परसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। अर्निंग कहाँ जाएगा, अर्निंग को आना ही होगा। देखिए ऐसा नहीं होता, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो यूट्यूब उसको वैल्यू करता है, रिकग्नाइज करता है और रिवॉर्ड करता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, गलतियां ना करें, अच्छे से अच्छा अपना चैनल एक पॉजिटिव और हेल्दी चैनल बना के रखें और लोगों से जानकारियां शेयर करें। देखिए कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि हमें तरह तरह की जानकारियां मुफ्त में फ्री में मिल जाती हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो इन बातों का भी जो है आप ध्यान रखें। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मेकिंग इट 50,000। और जल्दी ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम 1 लाख में जल्दी से पहुँच जाएँ और हमें सिल्वर जो है बटन मिल जाए, यही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।